तो यार मूवीज देखना तो हम सबको पसंद है, पर क्या तुम जानते हो मूवीज आखिर बनती कैसे है? मालूम है तेरे बाप को मत दिखा। नहीं नहीं, मैं अब की बात नहीं कर रहा। आई एम सेइंग जब 90s का दौर था तब मूवीज कैसे बनती थी, या तो मूवी को बनाते टाइम क्या क्या बकचोदी होती थी। अच्छा, खैर दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, क्योंकि अमेज़न प्राइम वीडियो ने एक मूवी के जरिए इस बात का जवाब दे दिया है, एंड उस मूवी का नाम है बेबलोन। सो यार बेबलोन मूवी में दिखाया गया कि जब 90s के टाइम मूवीज बनना स्टार्ट हुआ था तब कैसे दो चहकते फूकते लोंडो लोंडियों में जवानी फूटती है, और वो कैसे फिल्मी दुनिया के रास्ते पर अपना करियर बनाने चल पड़ते हैं। एंड उसी के साथ दिखाया गया कि किस तरह फिल्मी दुनिया बिना साउंड वाली मूवी से आवाज वाली मूवीज तक, एंड हाय मेरा नाम है अजय दिनोना चौहान वाले लेजेंडरी डायलॉग तक का सफर करती है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किसी रईसजादे के घर पार्टी हो रही होती है, और ऐसी पार्टी जहां हर वर्जिन लौंडा अपनी चहकती खिलखिलाती जवानी को फूकना चाहेगा, और इसी के बीच एक ऐसा लौंडा दिखता है जिसकी जिंदगी स्पाइडरमैन के जालों से भी ज्यादा उलझी होती है। उस पार्टी में उसे एक हार्ली क्वीन जैसी बिंदास लौंडी मिलती है, जो उस पार्टी में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नाम इस्तेमाल करके जाती है, क्योंकि उसे एक बड़ी सेलिब्रिटी बनना होता है, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो सेलिब्रिटी बन भी जाती है। बट उसके बाद जो कांड होते हैं ना, वो भैया देखने लायक होते हैं। इस मूवी में अपने को एक तरह से बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं कि कैसे हॉलीवुड ने अपना मूवीज का दौर सेटअप किया। इस मूवी में दिखाया गया कि एक्टर चाहे कितनी भी बकचोदी करे, बट उसके लिए एक्शन वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसे सुनने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, और उनके लिए उस वक्त वो कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे एक्टर भी होते हैं जो सीन कट होने के बाद भी पपिया छपिए की प्रक्रिया जारी रखते हैं। साले मैं तुझे पहचान गया, तू एयरलाइन का आदमी है, तू बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ। बेबलोन मूवी हमें फिल्मी दुनिया से मिलाती है कि कैसे एक मूवी किन किन हालातों से गुजर कर कहाँ कहाँ से होकर बनकर अपने पास आती है। इसमें अपने को दिखाएगी कि कैसे एक आम सी लड़की आकर पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख देती है। ये मूवी पूरे 3 घंटे 9 मिनट की है, जिसे तुम हगते टाइम, खाना खाते टाइम, सोते टाइम और अपना वॉक करते टाइम भी देखते रहोगे, फिर भी यही कहोगे साली ये मूवी खत्म काहे नहीं हो रही बे। एंड लास्ट में बस इतना ही गाइस, अगर तुम्हें 90s की मूवीज के बिहाइंड द सीन्स देखने हैं तो तुम ये मूवी जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम्हें चैनल के साथ जो करना है कर सकते हो, वीडियो के साथ जो करना है कर सकते हो, और दिलीप आजा मूवी पूरी करते हैं।